हमारे संविधान के निर्माता भीमराव अंबेडकर आजादी से पहले भी और बाद भी दलितों के उद्धारक बनकर नजर आए। उनका मानना था कि अगर किसी शख्स को समाज में सर उठाकर चलने की आजादी नहीं है तो उसके लिए देश की आजादी के कोई मायने नहीं। इसलिए वो सत्ता में पिछड़े तबके की हिस्सेदारी चाहते थे। स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में भी वो सत्ता और जमीन जायदाद में दलितों की हिस्सेदारी ना के बराबर होने की वजह से उनके अधिकार के बारे में बात करते थे। उन्होंने अपनी किताबों में अनगिनत बार दलितों के उत्पीड़न, उनके जाति तिरस्कार वाली खबरों का हवाला दिया। उनका मानना यह था कि हिंदू धर्म की जाति व्यवस्था को खत्म किए बगैर ये मुमकिन ही नहीं है कि समाज में दलित सम्मान के साथ जी सके। यही वजह थी कि वो सत्ता में दलितों की हिस्सेदारी चाहते थे ताकि उनके खिलाफ हो रहे अत्याचारों को रोका जा सके। वहीं दूसरी ओर थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर की विचारधाराओं में जमीन आसमान का अंतर रहा। दोनों की विचारधाराओं में इसी अंतर के कारण एक ऐसे समझौते पर बात बनी थी जिसके जरिए दलितों को दो वोट का अधिकार मिलने की राह आसान हुई थी। उनकी इसी कोशिश का नतीजा था जब 1909 में दलित समाज के लिए आरक्षण का प्रावधान बना और 1932 में ब्रिटिश सरकार ने कम्युनल अवार्ड की शुरुआत भी कर दी। इसी के साथ ही दलितों को दो वोट करने का अधिकार मिला, यानी एक वोट के जरिए वोट उन्हें अपना प्रतिनिधि और दूसरे वोट के जरिए सामान्य वर्ग के प्रतिनिधि को चुनने का अधिकार उनको मिल गया था। इसे दलितों के अधिकारों की बड़ी जीत बताया गया था, लेकिन इसी बात पर महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच विरोधाभास था। दलितों का यह अधिकार मिलने से महात्मा गांधी काफी खफा थे। उनका कहना था कि अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र और उन्हें दो वोटों का अधिकार देने से हिंदू समाज बिखर जाएगा, वो बट जाएगा। इसे रोकने के लिए बापू ने ब्रिटिश सरकार को कई पत्र लिखे, पर कोई सुनवाई नहीं हुई। अंत में उन्होंने अनशन करने का फैसला लिया। वो पुणे की यरवदा जेल में अनशन पर बैठे और अपनी बात पर अड़े रहे। अनशन के जरिए महात्मा गांधी ने साफ तौर पर अपना विरोध जता दिया था, लेकिन अंबेडकर का कहना यह था कि इससे दलितों का उत्थान होगा, ये उनके अधिकार और विकास की दिशा में बड़ा फैसला साबित होगा। महात्मा गांधी ने 18 अगस्त को तत्कालीन ब्रिटिश पीएम रेमजी मैकडोनाल्ड को पत्र लिखकर विरोध जताया और उन्होंने लिखा कि अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर मैं इस फैसले का विरोध कर रहा हूं, मैं इस अलगाव के खिलाफ हूं। ब्रिटिश सरकार से इस पर रोक लगाने की बात कही, लेकिन रोक नहीं लगी। उन्होंने 9 सितंबर को दोबारा पत्र लिखकर अपनी बात कही, लेकिन अंग्रेजों ने साफ तौर पर इस पर रोक लगाने से मना कर दिया। वहीं अंबेडकर का कहना यह था कि महात्मा गांधी के लिए वो एक जायज मांग पर रोक नहीं लगने देंगे, वो अपने रुख पर कायम रहेंगे, लेकिन जेल में लगातार अनशन के कारण गांधी जी का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। लोगों में संदेश गया कि इसकी वजह अंबेडकर है। नतीजा, देश के लोगों में अंबेडकर के लिए नाराजगी और गुस्सा बढ़ने लगा और अंबेडकर को कदम पीछे करने ही पड़े। ब्रिटानिका के मुताबिक हालात को संभालने के लिए 24 सितंबर 1932 को अंबेडकर पुणे की यरवदा जेल पहुंचे और गांधी जी का अनशन खत्म कराया। यही दोनों के बीच एक समझौता हुआ जिसे पूना पैक्ट कहा गया। इस समझौते के तहत दलितों को मिला अलग निर्वाचन और दो वोट का अधिकार खत्म कर दिया गया। हालांकि इसकी भरपाई दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ाकर की गई। इसके अलावा दलित वर्ग को सार्वजनिक सेवाओं के साथ साथ स्थानीय संस्थानों में भी उनकी योग्यता के आधार पर उचित प्रतिनिधित्व देने की भी बात कही गई। बहरहाल, आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।